और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय की ओर आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए, भीड़ जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की ओर। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया था, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए थे। और अब देखिए ये तस्वीरें सीधी, हाथों में पोस्टर्स बैनर्स भी लिए हैं कुछ कार्यकर्ता। भीड़ जबरदस्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में बावजूद इसके अपनी नीति पर, रणनीति पर आम आदमी पार्टी आगे की ओर बढ़ते हुए। बीजेपी हालांकि कह रही है कि ये सिर्फ ड्रामा है, इमोशनल अत्याचार है आम आदमी पार्टी का। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे पहले मंच से जब संबोधित उन्होंने किया था आप दफ्तर से, तो मंच पर संजय सिंह मौजूद थे, राघव चड्ढा मौजूद थे जो कि पिछले कई महीनों से गायब थे, और कल अचानक से सीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की केजरीवाल के साथ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी तस्वीरों में नजर आएंगे, राघव चड्ढा भी हैं, आंखों पर काला चश्मा राघव चड्ढा ने लगाया हुआ है, चूंकि बताया जाता है कि आंख के ऑपरेशन की वजह से वो देश से बाहर थे, विदेश में थे, इसलिए पिछले दिनों जब पार्टी बहुत ज्यादा संकट में थी उस दौरान नजर नहीं आए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा भी, संजय सिंह भी, आम आदमी पार्टी के और भी नेता मौजूद हैं यहाँ पर, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, सभी की मौजूदगी है, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी है, फोर्सेस की भी मौजूदगी है। चूंकि आगे जाने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं दी गई है, सड़कों के दोनों तरफ बैरिगेटिंग पुलिस की ओर से की गई है। और केजरीवाल जब एड्रेस कर रहे थे, जब निकले थे, मार्च जब शुरू किया था उससे पहले उन्होंने कहा था कि जहां तक जाने दिया जाएगा वहां तक हम जाएंगे, जहां पर रोकेंगे वहीं पर रुककर आधा घंटा इंतजार करेंगे कि हमारी गिरफ्तारी होती है या नहीं हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आज हमारी गिरफ्तारी आधे घंटे के भीतर बीजेपी नहीं करवाती है तो फिर ये उनकी बहुत बड़ी हार होगी। मीडिया का भी जमावड़ा बहुत ज्यादा है वहां पर, तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं का मार्च दिल्ली में ही बीजेपी मुख्यालय की ओर। आतिशी, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज भगवंत मान नहीं आए हैं, चूंकि मैंने ही उन्हें मना किया है आने के लिए, चूंकि अगर आज बीजेपी हम सभी दिल्ली के नेताओं को गिरफ्तार करवा लेती है तो फिर इसके बाद गिरफ्तारी पंजाब आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से दी जाएगी, अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था इससे पहले जब वो संबोधित कर रहे थे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और ये तस्वीरें फिलहाल सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मार्च आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय की ओर। भीड़ बहुत ज्यादा है, पुलिस का भी कड़ा पहरा है, फोर्सेस की भी वहां पर तैनाती की गई है, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है दिल्ली पुलिस की ओर से। पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि इजाजत नहीं दी जाएगी आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने की। तमाम तरह के आरोप केजरीवाल की ओर से लगाए गए इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश हो रही है, कुचलने का इरादा आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बना लिया है। बीजेपी दफ्तर के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए फिलहाल सीएम केजरीवाल की ये तस्वीरें। उन्होंने कहा कि अगर आज हमारी गिरफ्तारी नहीं होती है, बीजेपी अगर आज हमारी गिरफ्तारी नहीं करवाती है तो ये उनकी हार होगी। देखिए जमानत पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, 1 जून तक का ही उनके पास समय है। इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जिसे बड़ी राहत के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए माना गया। और अब केजरीवाल दिन रात एक किए हुए हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 7 लोकसभा की सीटें आती हैं जहाँ पर एक साथ एक ही चरण में 25 मई को होनी है वोटिंग। और दिल्ली का रण बेहद दिलचस्प है, दिल्ली का दंगल इस बार इंटरेस्टिंग है। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं सीधी, ये भी आम आदमी पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है। कल जब उनके पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया था कि बीजेपी मुख्यालय जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और आज उसी की ये सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। स्वाति मालीवाल का जो पूरा मामला सामने आया 13 तारीख को सोमवार को, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी दरअसल सवाल उठा रही है। मामला लगातार तूल पकड़ता गया इस पूरे मामले को लेकर, सियासत भी जबरदस्त। और अब केजरीवाल की ओर से जब संबोधित किया गया तो उन्होंने ये भी कहा
कि मेरे निजी सचिव विभव कुमार की जो गिरफ्तारी कल हुई है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश है, मोहरा बनाया गया। स्वाति मालीवाल को इससे पहले भी ये बात कई आम आदमी पार्टी के नेता कह चुके हैं। फिलहाल तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथ में दिल्ली के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके साथ मार्च करते हुए बीजेपी मुख्यालय की ओर, बीजेपी दफ्तर की ओर। इस पर ज्यादा डिटेल्स में ले लेती हूँ। मेरे साथ ग्राउंड से मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मनोहर, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, मुमकिन क्या हो पाएगा कि आप और तस्वीरें दिखाएं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा? आम आदमी पार्टी का ये पूरा मार्च, साथ में केजरीवाल के कौन कौन मौजूद है, रोक लिया गया है? तस्वीरों को देखकर नजर आ रहा है, कहां पर रोका गया है ये इन्हें? देखिए बिल्कुल, मैं अभी बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हूं और यहां से करीब 400 मीटर के फासले पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ हमारी और यानी बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है, CRPF, RAF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और बैरिकेटिंग आम आदमी पार्टी दफ्तर से लेकर के यहाँ तक, जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ तक 3 बैरिकेटिंग की हुई है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि धीरे से जूम करके दिखाएं, तो आप देखिए जो अगली, ये पहली बैरिकेटिंग है, आगे जो बैरिकेटिंग की गई है उसमें भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं और जो राइट कंट्रोल व्हीकल है वो आगे खड़ी है, वाटर कैनन आगे खड़ी है, ताकि आम आदमी पार्टी दफ्तर से आगे आप और बढ़ेंगे तो फिर आपको वहां पर भी बैरिकेटिंग में पुलिस रोक लेगी, आपको अंदर आने नहीं देगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका मार्च हमारी और इधर आता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर पुलिस जाने के लिए नहीं देते हैं तो बैरिकेटिंग कोई नहीं लांगेगा, वहीं पर बैठ जाएंगे वो लोग और आधे घंटे तक वहीं बैठेंगे। सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल अपनी स्पीच में कहा जाए तो बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए सबको तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बात कही कि आने वाले टाइम में चुनाव के बाद जो है आम आदमी पार्टी के खाते भी सील कर दिए जाएंगे, सीज कर लिए जाएंगे और आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, हालांकि पहले ही कोर्ट ने इसे खाली करने के लिए बोला है, तो सीधे तौर पर अभी चुनाव की घड़ी है और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये आपने देखा कि आम आदमी पार्टी मनोहर आगे भी दिखाइएगा। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पर मनोहर केसरी की मौजूदगी है, लेकिन उससे पहले ही कई लेयर्स की बैरिकेटिंग है, बीजेपी मुख्यालय तक आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इससे पहले केजरीवाल ने भी कहा था कि जहां पर रोकेंगे हम वहीं पर रुक जाएंगे और इंतजार करेंगे कि गिरफ्तारी हमारी होती है या फिर नहीं।